यूं तो सरकार जनहित में योजनाओं का ऐलान करती है, लेकिन अक्सर ये योजनाएं कागजों तक ही सीमित होकर रह जाती हैं और असलियत में कुछ कम ही काम होता है। ज्यादातर मामलों में जनता तक ये योजनाएं पूरी तरह पहुंच नहीं पाती हैं और प्रशासन या सरकारें दावा कर इतिश्री कर लेती हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में सरकार की बहुचर्चित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना भी इसी इतिश्री की बलिदान का परवान हो रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला इससे इतर का एक ऐसा मिसाल बनकर उभरा है जहां प्रशासन की पहल पर यह योजना पूरी तरह जमीन पर उतर गई है। दरअसल प्रशासन द्वारा इसके लिए जिला के डीएम की कमान में एक पूरी टीम जनता को जागरूक करने के लिए प्रयासरत है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि जिला ऊना के दौलतपुर चलेट और मावाकोला में करीब 150 व्यापारिक प्रतिष्ठानों और मावाकोला गांव के 550 घरों के नाम महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं। इसके लिए बाकायदा दुकानों और घरों के बाहर बेटियों के स्लोगन के साथ बोर्ड और नेम प्लेट लगाई गई है। यही नहीं, इस योजना के तहत किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली बेटियों की तस्वीर को उनके कार्य के उल्लेख के साथ जिला के महत्वपूर्ण स्थानों पर भी लगाया जा रहा है, जिसका सारा खर्च जिला प्रशासन वहन कर रहा है। दरअसल जिला ऊना देश के उन 100 जिलों में शुमार है जहां शिशु लिंग अनुपात काफी कम आंका गया है। अब शिशु लिंग अनुपात को सुधारने में प्रशासन की ये पहल कामयाब होने की उम्मीद जागी है। उपायुक्त ऊना राकेश प्रजापति ने लिंग अनुपात संतुलन को बेहतर करना और समानता स्थापित करना इस योजना के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उपायुक्त ऊना ने दावा किया है कि एक पंचायत से शुरू हुई ये योजना कुछ ही समय में जिला के सभी 234 पंचायतों में शुरू की जाएगी। एक स्कीम पूरे जिले में चलाई जा रही है जिसका नाम है ऊना उत्कर्ष, और ये तकरीबन तीन महीने पहले पूरे जिले में लॉन्च की गई है। और उसी के मद्देनज़र जो हमारा मावाकोला पंचायत है, पहली ऐसी पंचायत है जो फुली अडॉप्ट की जा रही है इस स्कीम के अंदर। और इस स्कीम में बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं ऐसे परिवारों को दिए जा रहे हैं जिनकी लड़कियाँ हैं, लड़कियों के जन्म से लेकर उनकी शादी तक का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं प्रशासन उठाने के लिए तैयार हुआ है। और मैं मावाकोला पंचायत को बधाई देना चाहता हूँ कि ये पहली ऐसी पंचायत बनी है जिसमें सभी घरों के बाहर महिलाओं के नाम के बोर्ड लगे हैं, जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज हैं वो महिलाओं के नाम पे रखे गए हैं। और आज एक बहुत बड़ा फंक्शन का आयोजन हो रहा है यहाँ पे, जिसके माध्यम से इस इलाके के जितने भी परिवार हैं जिनमें लड़कियां हैं उनको डीसी कार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि प्रशासन की जो लिंगानुपात जो कम है इस इलाके में उसको इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों की सोच को बदल कर बढ़ाया जाए। सर, जिस तरह से ये पहला मावाकोला गांव की गई है, क्या पूरे जिला में ये पहली पंचायत है जहां पर पूरी तरह से जिसको अडॉप्ट किया गया इस स्कीम के अंतर्गत, और आने वाले वक्त में बाकी जितने भी हमारी पंचायतें हैं 233 इसके बाद बस्ती हैं, यहां से प्रेरणा पंचायतें लेंगी, क्योंकि इसमें पंचायतों को भी खुद आगे आकर मेहनत करने की जरूरत है। हमारा एफर्ट्स तो है ही, और कोशिश यही है कि पूरे जिले में इस तरह का अभियान जारी रखा जाए। बहरहाल प्रशासन की इस पहल का जिला के हर जगह स्वागत किया जा रहा है। ना सिर्फ इस अनूठी योजना को लोगों का खुले दिल से प्रशंसा मिल रही है, बल्कि प्रेरित होकर खुद ब खुद वे इसे स्वीकार करने का दावा कर रहे हैं। इसको हम ये मानते हैं कि जो डीसी सर ने जो प्रोग्राम चलाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इससे जो लड़कियों को एक प्रोत्साहन मिला है कि वो अपने आप को बेटों से कम ना आंकें, और जो बेटी जो है अनमोल है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। और डीसी सर ने जो चलाया है कि हमारे गाँव में लेडीज़ के नाम के जो बोर्ड लगाए गए हैं उससे भी लेडीज़ को थोड़ा प्रोत्साहन मिला है कि वो आदमियों से जो है कम नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रयास है कि हमारे मावाकोला ने ये ऑर्गेनाइज किया और सोचा कि बेटियों को भी बेटों के बराबर वो पोजीशन और टाइटल मिलना चाहिए, कि जैसे हिमाचल में भी देखा गया है कि 2011 के सेंसस 2018 तक जो बेटियों की संख्या है उस पर गिरावट आई है। तो लोगों को इस बारे में जागरूक करना, ये सोच उनको खुद बदलनी पड़ेगी, उनको खुद अपने दिमाग में ये चीज लानी पड़ेगी कि बेटा और बेटी बराबर हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, कि बेटा ही आपको बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकता कि बेटियां भी बन सकती हैं। देखिए जी, ये सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है जो महिलाओं को और आगे जागरूक, प्लस उनको एक
अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिससे भी उनमें एक आगे बढ़ने की जो भावना आ रही है बहुत अच्छी पहल है। और हम जो बेटियों के प्रति जो हमारी जो सोच है उसमें एक बदलाव में बहुत महत्वपूर्ण ये योगदान दे रही है। क्या आपको लगता है इससे जो लिंग अनुपात है उसमें जो सुधार आएगा? निश्चित ही इसमें बहुत बड़ा इसमें फर्क पड़ेगा और जो हमारे जो बेटियों के प्रति लोगों का एक सोच है उसमें बदलाव जरूर आएगा। लोगों को इन चीजों के बारे में जो प्रशासन ने जागरूकता फैलाई है, कई चीजों का गांव में बच्चों को या औरतों को पता नहीं था, इन चीजों के नंबर प्लेट लगा के जो औरतों को आगे जाने के लिए एक अपने समाज की एक सोच को अच्छा करके एक हर चीज को उन्होंने प्लस करके जो ये बढ़िया सोच बनाई है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़ा बड़ा सुधार आया जी, आपने खुद ही देखना है एक दो महीनों में इन चीज़ों को लेकर लोगों की सोच। बुजुर्गों में बैठता हूँ शाम को, बुजुर्ग बैठते हैं उनकी सोच देख के इन चीज़ों का पता लगा कि पहले मैं आपको बता रहा था किसी को कुछ नहीं पता, हमें खुद नहीं मालूम था इन चीज़ों के बारे में। नंबर प्लेट लगाई है हमने तो ये सोचा नंबर प्लेट लगाई है जी, घर का नाम लिखा है ऊपर से, ये औरतों के नाम से जो पहल की है ना इसके बारे में लोगों की सोच में बदलाव पड़ा है, सोच में बढ़ावा हुआ है, सोच बदली है। इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए जो सरकार ने ये पहल की है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।